नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे राजस्थान पुलिस और एलडीसी एग्जाम में जहां पे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 मिनट में फटाफट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कितने करेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है। तो जाइगोमेटिक लार ग्रंथि जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, कुत्ते में पाई जाती है। तो कुत्ता इस फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, प्लीहा को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो एक नर जनन कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है, तो जो शुद्ध रक्त होता है तो शुद्ध रक्त का जो करती है वो कौन सी करती है, तो पल्मोनरी वेन जो होती है ऑप्शन नंबर टू, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, जो आरबीसी होती है उसका जो जीवन काल होता है वो कितने समय का होता है, तो 120 दिन। ये बहुत पेपर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इन बीमारियों में निम्न में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है, कौन सी बीमारी ऐसी है जो प्रोटोजोआ के जनित द्वारा नहीं मानी जाती है, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सारे क्वेश्चन इसके महत्वपूर्ण हैं, तो उसका आंसर आपको बताना है कि हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो यहां पे दिया है कि बबेसियोसिस दिया हुआ है, एक आपको एक दिया हुआ है, जो नेक्स्ट दिया है वो दिया है थिलेरियोसिस, तो ये सारे आपको दिया है। तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो ध्यान रखिएगा दुग्ध ज्वर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि कौन सा रोग वायरस जनित है, कौन सा रोग जो है निम्नलिखित में से वो वायरस के द्वारा होता है, तो खुरपका और मुंहपका जो है वो वायरस जनित ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है, कौन सा विटामिन है जिससे रक्त का थक्का बनता है, तो विटामिन के ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निश्चेतक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सूंघने वाला निश्चेतक है क्लोरोफार्म, ज्यादा सूंघने पर मृत्यु भी हो सकती है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा उदाहरण है, तो आप सभी को पता है प्रोटीन जो सबसे अच्छी मात्रा में मिलता है वो चने में मिलता है। नेक्स्ट है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का आपको रासायनिक नाम बताना है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 साइनोकोबालमिन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन सा ऐसा है जो वसा में घुलनशील है, तो ध्यान रखना कि इसका जो करेक्ट आंसर है, तो सारे आपको दिए हुए हैं और वसा में घुलनशील के बारे में आपको बताना है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B6, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर कौन सा है, विटामिन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है, तो नाइट्रोजन क्षारक कौन सा, तो यूरेसिल जो होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, वो आपका करेक्ट होगा। डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है, तो डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगला है कि अनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो अनुवांशिक की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई जो मानी जाती है वो किसको माना जाता है, तो आप सभी ने पढ़ा है जीन, जीन अनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है। एक मादा जनन कोशिका से कितने अंडे बनते हैं, तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट जो कि एक बनते हैं ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसे अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, तो आप सभी को पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं, तो नर जनन तंत्र में शुक्राणु बनते हैं वृषण में, इसको ध्यान रखिएगा। वीर्य में उपस्थित जो शर्करा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर है फ्रक्टोज ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। दुग्ध शरण के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होता है, तो दुग्ध का जो शरण होता है उसके लिए ऑक्सीटोसिन जो है वो जिम्मेदार होता है। निम्न में से कौन सी दवा बुखार उतारती है या बुखार को खत्म करती है, तो आप सभी को पता है पैरासिटामोल काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों के पश्च दृश्य के लिए, तो वाहनों में पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पारा धातु का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो सीनाबार या सीनेबार के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होने वाली जो धातु वो कौन सी है, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण पर लंबवत रखे हुए हैं, तो इनके द्वारा इनके मध्य रखी हुई वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब अनंत संख्या में बनेंगे, उनकी संख्या अनंत होती है।
विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई कौन सी वाली है? तो वॉट घंटे ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास में नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।